इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा के नहर चौक के पास हीरो शोरूम में। और आज जैसा कि आप हमारे पीछे दो अलग अलग कलर की बाइक देख रहे हैं, हीरो पैशन एक्सट्रैक्ट की एक लॉन्चिंग है, उसी लॉन्चिंग में हम पहुंचे हैं। और हम इस शानदार बाइक जितनी शानदार है, क्या वाकई में इसके फीचर्स भी उतने ही शानदार हैं, क्या खासियत है, क्या खूबियाँ हैं, हम सारी बातें एक के बाद एक जानेंगे। सबसे पहले आप इस बाइक की वॉक अराउंड सिनेमैटिक तस्वीरें देखें, जैसे कि आपको ये पता चल पाए कि बाइक वाकई में काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी दमदार लग रही है। लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन को हम जानेंगे, यहाँ के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं उनसे हम पूछताछ करेंगे और आपको इसकी सारी डिटेल्स हम बताएँगे। हम बात करेंगे इस बाइक के बारे में यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव से और जानेंगे ये शानदार बाइक का। सबसे पहले तो इस बाइक की नाम को बताएं, क्या नाम है इस बाइक? इस बेहतरीन बाइक का नाम है पैशन एक्सटेक। पैशन एक्सटेक, जैसा कि नाम है वैसा, क्या वाकई में ये परफॉर्म भी वैसा करती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले इस बाइक में सीसी कितनी है? ये 110 सीसी की बाइक है। टॉर्क क्या है? 9.79 Nm। तो मैं जानना चाहूँगा, एक्चुअली हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इसके डिटेल्स बताएं, जो कि वो सिंपल एंड आम भाषा में समझ सकें कि ये बाइक उन्हें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि दर्शकों को बाइक ये खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, सबसे पहला अगर आपका बजट 90,000 के अराउंड है और आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें कि आपको मजबूती मिले, आपको उसमें लुक्स अच्छे मिले, आपको उसमें कंफर्ट अच्छा मिले, माइलेज अच्छी मिले और फीचर्स अच्छे मिले, तो आपको इस बाइक को चेकआउट करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ इस बाइक के लुक्स पर। लुक्स की अगर बात करें तो ये बाइक जो है ये एक अपग्रेड है, जैसा आपने सुना पैशन एक्सटेक, यानी कि इसके पहले भी कोई ना कोई पैशन बाइक आती थी, इसके पहले पैशन प्रो आती थी, ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। जैसा कि हमने ग्लैमर के टाइम पे देखा था कि ग्लैमर BS6 के बाद ग्लैमर में एक मेजर बिट किया गया था ग्लैमर एक्सटेक का, ये उसी लाइनअप की एक बाइक है पैशन एक्सटेक। अब स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले इसमें हेलोजन आया करता था, अब इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है। अब LED प्रोजेक्टर आपने हो सकता है काफ़ी नया नया लगे कि LED हेडलैम्प्स तो आपको हर जगह मिलते हैं, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प क्या हो गया? तो बेसिकली अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो यहाँ पे नीचे में आपको सामने ऊपर LED मिल जाता है पासिंग लाइट के लिए, लेकिन यहाँ पे नीचे में आपको दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है कि ये रात में आपको ज़्यादा अच्छी रोशनी देता है नॉर्मल LED के कंपैरेटिवली, ब्राइटनेस ज़्यादा और रेंज ज़्यादा अच्छी रहती है। सेकंड चीज़ मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगा कि इस बाइक के बेहतरीन और नए लुक्स आप देख सकते हैं कि पहले से ज़्यादा इसमें ग्राफिक्स को ऐड कर दिया गया है, जबकि पहले से ज़्यादा इसमें बोल्ड डिज़ाइन दिया गया है। जैसे कि पहले पैशन का बहुत बड़ा स्टिकर से आया करता था, लेकिन अब इसमें प्रॉपर बैज दिया जाता है पैशन का, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा इसकी मीटर कंसोल पे, जो कि इसका सबसे ज़्यादा मेन हाईलाइट है कि इसका मीटर कंसोल आपको मिल जाता है अब फुल्ली डिजिटल, जो कि पहले आया करता था डिजी एनालॉग में, आधा एनालॉग और आधा डिजिटल। अब काफ़ी दर्शक पूछेंगे कि ये फुल्ली डिजिटल आपने दे तो दिया, लेकिन इसके कुछ फंक्शंस भी हैं। तो जी, इसमें फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, एक ग्लिम्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें कि आपको बैटरी नोटिफिकेशन, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब बाइक चलाते वक्त अगर आपको किसी का कॉल आ जाता है तो ये बाइक यहाँ पे नोटिफाई कर देती है उस पर्सन का नाम जो भी कॉल कर रहा होगा, और इन केस किसी सिचुएशन में आप कॉल नहीं उठा पाए तो बाइक के अंदर एक सेंसर लगा पड़ा है जो कि इसके ऐप से कनेक्ट हो जाएगा और एक सिस्टम ऑपरेटेड मैसेज अपने आप जो कॉल कर रहा होगा उसको चला जाएगा कि आई एम राइडिंग अ बाइक, प्लीज़ कॉल मी लेटर। तो उससे उसको पता चल जाएगा कि नहीं, आप बाइक चला रहे हैं, आप कॉल अभी नहीं उठा सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर दिया गया है, तो आप किस प्रकार गाड़ी चला रहे हैं, जिस हिसाब से चलाएंगे उस हिसाब से आपको माइलेज भी बताती है, माइलेज एवरेज आपको बताते रहे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मेरे को गाड़ी अभी इतना माइलेज दे रही है। तो वैसे माइलेज से याद आया, ये माइलेज कितना देती है? देखिए, माइलेज की अगर मैं बताऊँ तो एक्सटेक की सभी सीरीज़ में माइलेज और पिकअप को बढ़ाया गया है। माइलेज के मामले में अगर आप इसको सिटी कंडीशंस में चलाते हैं, शहर में, गांव घर में चलाते हैं, तो ये आपको 65 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। वहीं अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन हाईवे में चलाते हैं, थोड़ा लंबा ट्यूरिंग जाते हैं, तो ये आपको 70 प्लस किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगी। वाकई माइलेज वाकई में काफ़ी शानदार माइलेज है, और इतना माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की डेट में, ये काफ़ी है। और कुछ इसकी खास फीचर्स क्या हैं? देखिए, अगर इनकेस मैं किसी ऐसे एरिया में जाता हूँ जहाँ पे मेरा फ़ोन डेड होने वाला है, मेरे पास चार्जर है लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे चार्ज कर पाऊँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड USB पोर्ट मिल जाता है जहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। सेफ्टी का इसमें खास ध्यान रखा गया है, ज़्यादातर एक्सटेक बाइक्स में और सभी एक्सटेक प्रोडक्ट्स में सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस बाइक में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम तो मिल ही जाता है, साथ साथ में आपको इसमें मिल जाता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, जो कि हमने अपनी प्रीवियस एक्सटेक बाइक्स में देखा था, चाहे वो स्प्लेंडर एक्सटेक हो चाहे वो ग्लैमर हो,
अब इसका काम बेसिकली ये है कि बाइक अगर आपकी साइड स्टैंड में रहती है तो काफ़ी मर्दोवाल होता है कि लोग साइड स्टैंड हटाना अपना भूल जाते हैं, बंद करना भूल जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं अगर कोई बताने वाला ना मिला कि आपका स्टैंड खुला है। तो इस बाइक में सेंसर है कि आप ये बाइक स्टार्ट कर लेंगे बड़े आराम से जब आपकी बाइक साइड स्टैंड पर रहेगी, बट जैसे ही गियर लगाने की कोशिश करेंगे ये बाइक बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा अपग्रेड मिल जाता है सेफ्टी को लेकर। अभी एक्चुअली स्पोर्ट्स बाइक जितने भी आते हैं उसमें ये फीचर्स हैं, 200 सीसी अपर जितने भी बाइक्स हैं सब में ये फीचर्स हैं, तो ये खास फीचर इस बाइक में भी दिया। ये खास फीचर इस बाइक, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि प्रीमियम फीचर्स के साथ आती हो तो आप ये बाइक पसंद हो सकती है। कंफर्ट की बात करें तो पहले से आपको थोड़ी लंबी और चौड़ी सीट मिल जाती है जो कि अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो उसमें आपको कंफर्ट महसूस होगा। तो हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए, हमने माइलेज कवर कर लिया, हमने फीचर्स कवर कर लिए, हमने आपका कंफर्ट कवर कर लिया, बच गया मजबूती और सेफ्टी। तो मजबूती के तौर पे आप देख सकते हैं कि बाइक काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाली है आपकी। पहले की जनरेशन की पैशन प्रो की अगर बात करूँ तो सन 2001 से लेकर 2010 तक की जो पैशन थी उसमें काफ़ी लोग बोलते थे कि नहीं सर बाइक तो अच्छी है, इंजन भी अच्छा है, लेकिन कभी काल क्या होता है जब चलाते हैं तो बाइक के कुछ कुछ पार्ट ढीले हो जाते हैं, ये जनरल वाइब्रेट करने लगते हैं, ये जनरल पार्ट्स में होता था। लेकिन अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है, सभी पार्ट्स को टाइट कर दिए गए हैं। साथ ही साथ हीरो आपको स्टैंडर्ड 5 साल की वारंटी देता है कि इनकेस अगर आपकी बाइक में कोई भी इंजन में फॉल्ट आता है तो आपके लिए हम हैं, और 5 साल का इंश्योरेंस दिया जाता है ताकि अगर आपके बाइक में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आप उसका कवर ले सकें। जैसे कि मैं बात करूं इसके माइलेज की, मैंने बात कर ली, इसका प्राइस क्या है, हमें ये ऑन रोड या फिर एक्स शोरूम प्राइस का क्या पड़ेगा? देखिए ऑन रोड की अगर बात की जाए तो ऑन रोड में ये बाइक आपको अप्रॉक्सीमेटली 89,000 से शुरू होकर 94,000 तक पड़ जाएगी। डिपेंड करता है कि आप डिस वेरिएंट ले रहे हैं या फिर ड्रम वेरिएंट, डिस वेरिएंट का आपका 93,000 to 94,000 रुपीज़ ऑन रोड पड़ जाता है, और अगर आप इसका ड्रम वेरिएंट लेते हैं तो 89,670 कुछ रुपये पड़ जाता है आपका ऑन रोड में। हमारे इस वीडियो को देखने के बाद कुछ दर्शक आएंगे और वो जानना चाहेंगे इस बाइक को लें, उस बाइक को लेने के लिए उन्हें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। देखिए फंडा क्लियर है, आप टेकरीवाल हीरो शोरूम गोड्डा आएँ, यहाँ पे बाइक को लेने के लिए 3 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है कि आप इसको डायरेक्ट कैश में ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बता दूं कि मैं सिर्फ आधार कार्ड लगता है। आप फाइनेंस में ले सकते हैं, फाइनेंस में लेने के लिए आपको आधार, पैन, पासबुक और फ़ोटो लगता है। आसान किस्तों में आप बाइक अपनी ले सकते हैं, घर लेके जा सकते हैं, लो डाउन पेमेंट की सुविधाएँ हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि हम लोगों का पहला मोटो रहता है कि हमारे ग्राहक का टाइम, क्योंकि सभी जानते हैं कि टाइम ही पैसा है, टाइम ही सब कुछ है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ग्राहक का टाइम वेस्ट ना हो। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बताऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरी कंडीशन में भी ग्राहक को उसके गाड़ी की डिलीवरी 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग देने की पूरी कोशिश करते हैं, ज़्यादा डिले हुआ तो 1 से 1.5 घंटे में आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं आपको बता दूं बाइक वाकई में शानदार है, आप जैसा देख पा रहे हैं बिल्कुल कमाल की बाइक है, स्पोर्टी लुक है, और जैसा कि आजकल DRL का ज़माना है, DRLs लुक आते हैं, प्रोजेक्टर भी है, हाइलोजन भी है, और लाइट्स की मुझे नहीं लगता कि लाइट्स की कोई कमी है इस बाइक में। और अब इस बाइक की मजबूती की बात करेंगे, इसे थोड़ा रोड पे उतारेंगे और हम जानेंगे कि बाइक चलती कैसे है। तो बाइक की आवाज़ काफ़ी स्मूथ आवाज़ है, साउंड अच्छी है, ज़्यादा शोर भी नहीं है और ज़्यादा साइलेंट भी नहीं है, यानी कह सकते हैं कि साउंड बिल्कुल सही है। अब इसे चलाते हैं और देखते हैं इसकी पिकअप क्या है और सड़क पे उतरने के बाद ये कैसे चलती है। तो जैसा कि अब हम रोड पे उतर चुके हैं इस बाइक को लेके, और चाल काफी शानदार है, बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं बाइक वाकई में शानदार और ज़बरदस्त है। और मैं अपने व्यूवर्स से जो हमारे चैनल को देख रहे हैं इस वक्त और अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बाइक वाकई में कमाल की है और ये बजट फ्रेंडली बाइक है, बिल्कुल हर तरह से एक सुपीरियर फील दे सकती है। तो ऐसे ही लगातार नई नई जानकारियों के लिए और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।